को मालूम नहीं होगा कि गुरेज के लोग कहां रहते हैं, कहां रहते हैं। आप कहते हैं बहुत दूर है, आप जन्नत में रहते हैं। तो मैंने दिया था ऐसे बोर्ड में क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है, चाहिए चैनल चाहिए पैनल और रोड क्लियर, मैडम रोड क्लियर, रोड क्लियर। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। अल्लाह आप सबको सही सलामत रखे, यही मेरी दुआ है आप सब के लिए। दोस्तों आज मैंने व्लॉग ये वाली लोकेशन से स्टार्ट किया, आप देख सकते हो डाक बंगले का पूरा व्यू, ये देखिए। यहाँ पर आज गुलाम नबी आज़ाद आने वाला है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ पर झंडे जो है बांट रहे हैं, ये देखें। हमें ये मिला है यहाँ पर, ये देखें, इसमें लिखा है DPAP और गुलाम नबी आज़ाद की फोटो लगी है इसमें। गुलाम नबी आज़ाद साहब का ही नाम कांग्रेस पार्टी में लिया करते थे। एक ऐसे नेता थे जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर में ही अपने दौर इख्तदार में जम्मू कश्मीर के एम्स हॉस्पिटल का कायम किया। जब वो मुल्क के वजीर सेहत थे तो उन्होंने हमारी रियासत के लिए मेडिकल कॉलेज का इख्तिताम किया था, और जब वजीर आला जम्मू कश्मीर थे चंद ही लम्हों के लिए, ज्यादा औरसे के लिए नहीं बल्कि कुछ ही सालों के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली, जिसमें गुरेज के लिए खासकर एक दूरदराज और पहाड़ी इलाका होने के नाते गुरेज के लिए उन्होंने काफी काम किए। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बाड़नीपुर का, हमारे पहले आप जानते थे कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, उन्हीं के दौरान ही बाड़नीपुर डिस्ट्रिक्ट का कयाम हुआ। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डिस्ट्रिक्ट का ही कयाम नहीं किया बल्कि गुरेज के लिए एक CRP रिक्रूटमेंट का भी कयाम किया। के दौर हुकूमत में गुरेज के लिए काफी काम हुए, जिसमें से सबसे पहले उन्होंने CRP रिक्रूटमेंट रैली का 2007 में कयाम किया। बहुत सारे दावे तो हमारे लीडर कर रहे हैं लेकिन गुरेज के लिए किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए गुरेज की आवाम उनको बधाई दे। उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब ने गुरेज के लिए स्पेशल DG भर्ती कराई, जिसमें हमारे काफी पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के उस भर्ती में गए और अपना रोजगार कमाए। ये सब कुछ गुलाम नबी आजाद साहब की ही देन है। गुलाम नबी आजाद साहब ने हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज, जबकि हमें हमारे बच्चे यहाँ से बाड़नीपुर या बाड़नीपुर से बारामूला तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। आजाद साहब के दौर हुकूमत में गुरेज में सबसे पहले डिग्री कॉलेज का संग बयान रखा और आज भी उसी डिग्री कॉलेज में हमारे बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं। हमारे लीडर तो दावा कर रहे हैं कि हमने ये किए लेकिन तरक्की का कोई काम नहीं किया। गुरेज की तरक्की अगर है तो सबसे पहले एजुकेशन है, एजुकेशन से ही तरक्की है और एजुकेशन से ही हर कोई आदमी अपने मुस्तकबिल को चुन सकता है। गुरेज में खाली बिल्डिंग बनाने से तरक्की नहीं होती है। गुरेज एक पहाड़ी और पिछड़ा हुआ इलाका है जिसके लिए रोजगार के अवसरों की जरूरत है। तो गुलाम नबी आजाद ने एक
ब्रिगेडिस का कायम किया, सीआरपी रिक्रूटमेंट रैली करवाई, डीजी भर्ती करवाई गुरेज के लिए स्पेशल, और जो हमारे यहाँ सोलर हर गांव में सोलर लाइट लगे हुए हैं, ये भी गुलाम नबी आजाद साहब की देन है। तो मुख्तसर से मैं ये कहूंगा कि आजाद साहब एक ऐसे और ऐसे लीडर है जो अपनी बात पे पूरे हिंदुस्तान पे अपना नाम रखे हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि गुरेज के लिए भी गुलाम नबी आजाद साहब आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह हम सबकी हमायत और उनका साथ रहे, हम सब का उनके साथ रहे, तो हमें उम्मीद है कि और सारे काम भी हमारे गुरेज के लिए करेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि गुरेजियों को, खासकर हमारे जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए माए बहने, हमने कई सालों से यहाँ के लीडरान को देखे, लेकिन लीडरान तो लीडरान ही रहे, लेकिन गुरेज की गरीबी को कोई मिटा न सके। गुरेज की गरीबी मुफलिसी को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो एक ही लीडर है जिसका नाम गुलाम नबी आजाद साहब है। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सभी ने अपना कीमती टाइम निकाल कर कई दूर दूर से आए, और बस चंद लम्हों में हमारे लीडर गुलाम नबी आजाद साहब और निसार साहब यहाँ पहुंच रहे हैं, और हम सब अब तहे दिल से उन सब का, जितने भी मेहमान आएंगे उनका इस्तकबाल करेंगे। शुक्रिया। फाइनली यहाँ पर गुलाम नबी आजाद आया है, मैं आपको आप ही दिखा दूंगा। साइड में चलो, मेहरबानी करो उस पे, साइड पे चलो, वो साइड में चलो, इनको बेशुमार 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 नहीं तेरा नशे मन कसर सुतानी के गुम्बद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की जमाने पर। मुस्कुराने के बाद में उसको तश मोजी ने ले चला कोई मुझसे शुक्रिया आधा था जा को मैं न्यास ही कि सोच पड़े जा किसे त्याग था शुक्र मैं वो खुदा है कि खबर आना था मैं कोई क्यों आसक्त हो सोच पड़े चार साथ दिए से जो वजह भी कि कोई आजाद सही बार हो जैसे तू मुझको छोड़ रहे हो तो असी यो बता मगर मैं जैसे मुझको रहा मुझ मैंने आजाद साहब से यही बात की थी कि आजाद साहब जब मेरे लोग जब मेरे चाहने वाले जिन्होंने मुझे अपने अमानत सौंपने का वादा किया है जब वो चाहेंगे कि आपके साथ मिलो तो इंशाल्लाह मैं आपके बगैर किसी और के साथ चाहे नहीं करूंगा। आजाद साहब एक ब्रांड है खुद, इन्होंने गुरेज खास करके पहाड़ी इलाकों के लिए काफी कुछ किया है जिससे मेरे इलाके के लोग बहुत उदास हैं। बदकिस्मती है कि उस दिन की हुकूमत पार्टियों ने साथ मुकम्मल नहीं दिया, वरना शायद हमारे अरमान कम हुए होते। मेरा सबसे बड़ा यहाँ इशू है रोड टनल का, यहाँ से रोड आपने खुद सर आप सीएम रहे हैं 6 महीने का टाप रहता है, बीमार होता है कोई कुछ होता है उसका इलाज मालजे के लिए हम बाड़ीपुरा श्रीनगर नहीं पहुँच सकते। एक दौर ऐसा आया यहाँ की हुक्मरान पार्टियों ने कहा
कि आप लोग यहाँ जो हमारे खवातीन है उनको सिलेंडर शिफ्ट कर दिए मीटर के लिए, ताकि जब उनका हम उनका पीरियड आए या इसका डिलीवरी का वो वहां अटेंड करे। इन्होंने ये नहीं सोचा कि गरीब आवाम को हक आ रही है, जो बेसहारा मजदूर है, जो डेली वेजेस काम करते हैं, मजदूरी दो मजदूरी पे दिन कई बेहतर है। ट्रेन में कोई भिखारी नहीं है, जो भी है मेहनत से अपनी कमाई करता है और अपनी रोजी रोजी कमाता है। ये फरीदा सर हमारा देश हिंदुस्तान जिसके लिए हमने बहुत वफादारी की है आज तक, पूरे के लिए एक मिसाल रहा इस बारे में। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में जो बैठे नेता है उतना वो भी वतनी होगी जो यहाँ के लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इन्होंने आगे बढ़ना चाहा तो इनके रास्ते काट दिए गए, अगर इन्हें सर उठाकर जीना चाहा तो इनके सर दुबे चले हुए। और जनाब यहाँ पर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, जनाब बैंडीपोरा से गुरेज बाई रोड आए, रोड की खस्ता हाली को देखकर आप अंदाजा लगा चुके हमें कि यहाँ पर इतने पिछले सभी सालों में क्या डेवलपमेंट हुई है। आपकी कोलिशन में जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी थी तो उन्होंने आपको वो मौका नहीं दिया। निसार साहब बहुत ही ईमानदार आदमी है और सर्विस में उन्होंने बांडीपुर से लेकर यहाँ तक लोग उनकी खिदमत की है। आज मुझे बहुत ही खुशी है कि निसार साहब हमारे साथ आए। मैं गुरेज के तुलेल से लेकर यहाँ तक छोटे बड़े कस्बे या गांव हूँ, यहाँ के बुजुर्गों को नौजवानों को बहनों को मुबारकबाद देता हूं। बॉर्डर के पास होने के बावजूद भी ये हमारी रियासत की एक अकेली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो सुबह जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसियां हो या कश्मीर सूबा की कॉन्स्टिट्यूंसियां हो, एक ही गुरेज का इलाका है जो 33 वर्षों में ये एक ही गुरेज की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जो मिलिटेंसी से 33 साल महफूज रही। इसके लिए मैं गुरेज के तमाम अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। हमारे मुल्क की हिफाजत, हमारे सरहदों की हिफाजत, हमारी फौज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपी पुलिस मिलकर करती है, वो लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जितने भी बॉर्डर के इलाके वहां उस फौज से कंधे मिलाकर अगर कोई काम करता है तो वो हमारे लोग अवाम सिविलियन करते हैं। फौज को तो मैं मुबारकबाद ही देता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मुबारकबाद गुरेज के लोगों को देता हूं, क्योंकि गुरेज के लोगों ने मिलिटेंट्स को पना नहीं दी। क्यों? जब पना देते हम तो तब मिलिटेंसी घर बना लेती है। कश्मीर तबाह बर्बाद हो गया, हजारों नौजवान मारे गए, हमारी हजारों की तादाद में बेटियां बहू बेवा हो गई, लाखों की तादाद में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए था, जिन्हें तालीम हासिल करनी चाहिए थी, वो यतीम हो गए। और आज पूरी दुनिया जहां आगे बढ़ी, हम 30-33 साल पीछे चल गए। जिस गुरेज को आप पहाड़ी मानते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं रहता हूं डोडा, उसके लिए तो ये एक वैली है। अगर आपको पहाड़ी देखना होगा तो डिस्ट्रिक्ट डोडा देखना होगा। तो मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूं जो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाका, जहां सड़कें बनाना नहीं,
गुरेज में भी अलग सड़क, 1 किलोमीटर में 1 करोड़ लगेगा, तो चिनाब वैली में डोडा में 20 करोड़ लगेंगे, क्योंकि पहाड़ों को छील के जाना। और आप रेडियो में तो सुनते होंगे, बिजली तो है नहीं, कि रोज हर 15 दिन में 10-20 लोग डोडा में एक्सीडेंट में मर जाते हैं दरिया में, क्योंकि वो सड़कें इतनी तंग। लिहाजा मैं पहाड़ी इलाकों के, चाहे वो गुरेज में हो, वो लद्दाख में हो, वो बारामूला अनंतनाग में हो, वो कुपवाड़ा में हो, या जम्मू सूबा के किसी भी इलाके में, उनकी तकलीफें जानता हूं, उनकी दुश्वारियां जानता हूं। गर्मी होगी, सर्दी होगी, वोट डालना हूं। एक दफा गलती करता इंसान, फिर 5 दफा भुगत जाता। अब यहां आज से 15 साल एक पार्टी ने गलती की, 2.5 साल में ही हमारा सपोर्ट वापस लिया, 15 साल से लोगों को उसका फायदा नुकसान हो रहा, वरना आज कोई गांव नहीं होता, कोई पहाड़ देवता जिसमें सड़क नहीं होती, कोई जगह नहीं होती जिसमें स्कूल नहीं होती, जिसमें डिस्पेंसरी नहीं होती, जिसमें डॉक्टर नहीं होते, बच्चों के लिए लड़कियों के लिए अलग स्कूल होते, इधर गांव में बड़ा मुश्किल होता, स्पेशल भर्ती होती, अनाज के लिए कई साधन किए जाते। अब आपकी 5-6 चीजें जरूरी हैं जिनको मैं ध्यान में रखूंगा। एक तो ये 2 इलाके ऐसे हैं, हमारे तो वैसे कोई 5-6 इलाके हैं जहां टनल की जरूरत है। एक तो लद्दाख का इलाका था, शुक्र है कि उसमें टनल बन रहा है, अगले 2-3 साल में मुकम्मल होगा, तो लद्दाख वालों का मसला हल हो गया। उसके बाद गुरेज और टंगडार वालों, गुरेज वाले भी और टंगडार वाले, अगर बीमार कोई हो गया कहीं नहीं ले सकते, वो बेचारा मरेगा। हमारी हमला बेटी है, वो यही मरेगी, उसको पास पार ले नहीं जा सकते, बीमार होगा तो भी नहीं जा सकते, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे किश्तवाड़ में भी है और रजौरी पुंछ से भी है, लेकिन कम से कम उनको दूसरा मुतबादल रास्ता, रजौरी पुंछ अगर बंद होता है ये मुगल रोड, तो कम से कम जम्मू से तो आ सकते हैं। किश्तवाड़ वाला भी अगर बंद होता है तो कम से कम रामबन डोडा से आ सकते हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन सबसे ये भी बहुत जरूरी है, टंगडार का और गुरेज का एक सफर कम होगा। और सबसे बड़ा, आपको मालूम नहीं होगा कि गुरेज के लोग कहां रहते हैं, कहां रहते हैं, आप कहते हैं ना बहुत दूर है, आप जन्नत में रहते हैं। यहां सड़क हो, जब तक टनल बने तो हिंदुस्तान की, मैं 110 मुल्कों में गया हूं, मैंने गुरेज जैसा खूबसूरत इलाका कोई नहीं देखा। तो एक वादा तो मैं आपसे करता हूं, टनल के लिए जद्दोजहद, क्योंकि टनल मरकजी सरकार ने बनानी, क्योंकि 1000 करोड़ लगते हैं एक टनल, रियासती सरकार का तो, जम्मू कश्मीर की रियासत की सरकार अगर सुई में भी वो टनल बनाना होगा तो उतना भी नहीं बजट रहता, वो सराह करते हैं। तो एक तो ये, लेकिन टूरिज्म इसी सड़क को समर के लिए इतना बनाएंगे शीशा जैसे वहां तक ऊपर तक है, क्या कहते हैं, प्रागबल तक, क्योंकि टूरिस्ट रोड से भी आना चाहते हैं। टूरिस्ट जो यहां आता है वो देखने के लिए भी आता है, तो शायद
यहाँ कोई जगह, और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म से ही होती है। और टूरिज्म मेरे ख्याल में इतना टूरिज्म यहाँ होगा कि हमको बाहर के लोग बुलाने पड़ेंगे, यहाँ लड़का लड़की नहीं मिलेगी काम करने के लिए, 100% बूढ़े को भी काम मिलेगा, बुढ़िया को भी काम मिलेगी, नौजवान बेटे बेटी को भी, मजदूर को भी काम मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि करोड़ एक आदमी तो वहां ऊपर पास से लेकर ही यहाँ आएगा, और इससे पीछे और है, कम से कम 1 करोड़ आदमी यहाँ सकता है। गुलमर्ग पहलगाम से 10 गुना ज्यादा यहाँ लोग हैं। तो ये तो पहला वादा, ये तो 6 महीने से शुरू कर। दूसरा ही बिजली, शर्म की बात है कि यहां से बिजली पूरे हिंदुस्तान को, ये नेशनल ग्रिड में जाती है, और यही बिजली नहीं। बिजली अगर नहीं है जब तक आ रहे हैं, अभी हमने देखे पोल लग रहे हैं, इसके लिए भी मैं यहाँ गवर्नर साहब से बिजली के बारे में जो पोल लगे हैं उनके बारे में भी, कि उसको जल्दी करें और जहाँ से भी जितना बिजली दें, लेकिन जब तक वो बिजली नहीं आती है खम्भे वाली, तब तक हमको वो देने चाहिए। ये जो जनरेटर है ये रात को तो पूरा चलना चाहिए, कम से कम दिन में 2-3 घंटे और रात को तो बिल्कुल चलना चाहिए। एक तो ठंड है, उसमें हीटर की जरूरत है। तो ये दोनों में अभी तक करेंगे, और अगर हमारी हुकूमत चलेगी आएगी तो जब तक वो बिजली आएगी साल के अंदर अंदर हम देखेंगे कि बिजली के पोल यहाँ लगे, खंभे बने और बिजली लगे, और जब तक वो ना आए तब तक आपके जनरेटर पर बिजली बराबर चलते। और मेरी बच्चियों के लिए और बहनों के लिए गायनेकोलॉजिस्ट, और दूसरा हमारी बहनों ने आधे रास्ते में मुझे पकड़ लिया और कहा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मैंने बताया था लेकिन अभी मुझे बताया कि वो सब डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी सब डिस्ट्रिक्ट है, वो पहले नहीं था, वो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के बाद शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि शहर में था वो दूर हो गया, अब मैं आज वो दोनों जगह देखूंगा, अगर आज देर हो गई तो सुबह देखूंगा, पुराने हॉस्पिटल को भी देखूंगा, नए हॉस्पिटल तो वो भी बात करूंगा। और आपके गायनेकोलॉजी के बारे में, गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में मैंने आज की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे बात करूंगा, चाहे हेल्थ सेक्रेटरी हो, हेल्थ कमिश्नर हो या गवर्नर साहब। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ बड़े देर से इंतजार कर रहे थे, उसके लिए मुझे माफी है। और इस वादे के साथ कि अगले दफा फिर जरूर आऊंगा और 2-3 दिन में यहाँ बैठूंगा, आपसे मुलाकात करो। बहुत 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 शुक्रिया। और हमारे साथी को हम निसार साहब को आपके हवाले कर रहे हैं, है? निसार साहब को, और इंशाल्लाह ये जो कुछ भी कहेंगे इस कॉन्फ्रेंसी के लिए उसको हम पूरा करेंगे, दिल से, जहन से, दिमाग से उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़ साहब। निसार साहब को हम आपके हवाले करेंगे। हाँ, आप इनके सर पर आपने किया हवाले जी, अब हम आपको हवाले का, हमारा कब वोट देना है, इसको एमएलए आपको रखना है, गाइड आपने करना है, आप वहीं बैठिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। जो कुर्सी पे बैठे हैं ना उधर ही हमारी बच्चियाँ भी और ये बुजुर्ग, आप अपनी कुर्सी पे बैठे। अस्सलाम वालेकुम यारो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम यारो दोस्तों, अल्लाह अक्सलामी नी भूजुना, अस्सलामी नी भूजुना, ओ अक्सलामी नी भूजुना, अस्सलामी नी भूजुना, अगर ये में गलती हुआ Thank you.
आपसे टीचरों की कमी है वहाँ पे, ना फिजिक्स टीचर ना कोई भी टीचर नहीं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स है गर्ल वो जाके बांडीपुर में आज एडमिशन कर रही है वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे टीचर है ही नहीं। जी सर, जी सर, खास करके गर्ल्स है फिजिक्स टीचर की वजह से यहाँ पे लड़कियों के बहुत सारों की फिजिक्स रेप रही है सर। जो सर हम हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कुछ शिफ्ट होती है प्रेग्नेंट लेडीज को शिफ्ट करो, वो एक बच्चे की डिलीवरी के लिए पूरा फैमिली को शिफ्ट करना है। 400-500 महीने की नौकरी मिलती है आर्मी में, वो भी उनको मिलती है जिनकी सिफारिश होती है चलो मैं दो आएंगे तो जरूर चलो 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 चलते रहो ये शाबाश 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 यस यस ना ये कुछ कुछ कर इधर होश कर हां होश कर यहां से शेर ऐड नहीं है वो सर सर कुर्सी पड़ी है तो साइड सर वो तो वाज ना वो वो सतु 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 चाहिए डाल अच्छा टूट गया खड़ा टूट गया तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं और एक नए स्पेशल व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, बाय, अल्लाह हाफिज़।